learn our fifth chapter, Clothes, My Clothes, page number 23. Children, here we learn why we wear clothes, what are the types of clothes, how clothes are made. Okay, this is all known in this chapter. Children, look at the book. Name the following. Here the miss. Look, name of the following. We use it in rain. जो rainy season में हम कौन सा clothes पहनते हैं? कौन सा clothes? Raincoat. Here you write raincoat. We get this from sea. कौन सा clothes हम ship से मिलते हैं? Wool. You write here wool. We wear it to school. हम जो school आते हैं ये सारे पहनते हैं. कौन सा dress? Uniform. You write here uniform. Children, we wear clothes to cover our bodies. हाँ, clothes के क्यों पहनते हैं? Because it protect our body, it cover our body, it protect us from heat, cold, rain, wind and insect bites. They make us look smart. हम लोग smart भी देखते हैं. It protect us from heat. हमको क्या? जो summer season की जो heat है, उसके उससे protect करते हैं. जो rainy season में जो बारिश है, उससे protect करते हैं. और विंटर सीजन में जो कोल्ड है, कोल्ड से भी हम क्या क्लन क्लन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं. और इंसेक्ट बाइट्स और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जर्म्स है, उससे भी हमको क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ओके, देन वी नो टाइप्स ऑफ क्लोथेस. चिल्ड्रेन, वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथेस इन डिफरेंट सीजन. जो डिफरेंट सीजन होता है, समर, रेन, विंटर, उससे भी क्या, इसीलिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथेस वी वेयर रेनकोट व्हेन वी गो आउट इन रेन. व्हेन वी गो आउट इन द रेन, इन रेनी सीजन, व्हेन वी गो आउट इन द रेन, वी वेयर रेनकोट, गम्बूट्स एंड अम्ब्रेला, बिकॉज़ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड कीप्स अस ड्राई. सो यू वेयर रेनकोट. इन वी वेयर कॉटन क्लोथेस इन समर. हम समर सीजन में कौन सा ड्रेस पहनते हैं? कॉटन क्लोथेस, बिकॉज इट कीप्स अस कूल. वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, इसलिए हम कॉटन क्लोथेस समर सीजन में यूज करते हैं. इन विंटर वी वेयर वूलन क्लोथेस एज दे कीप्स अस वार्म. इन विंटर सीजन वी यूज वूलन क्लोथेस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज एंड स्लीपर्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, to protect our feet from dust and germ. We have different kinds of shoes. Okay, different kinds of shoes. जो हम जो जब स्कूल आते हैं तो क्या हमारी यूनिफॉर्म जो शूज है उससे पहनते हैं, और जो घर में स्लीपर यूज करते हैं. Why we use slipper? Because it protect our feet from dust and germs. वो हमको डस्ट और जर्म से स्लीपर हमको प्रोटेक्ट करते हैं. Next, we know we wear clothes to suit the occasion. We wear special clothes on special occasion. The special occasion क्या है? हमारी wedding, जो wedding ceremony, birthday party या third ceremony जो भी होते हैं, हम जब जाते हैं वो function को हम क्या special clothes पहन के जाते हैं, जिसको हमको party wear बोलते हैं. Okay, such as these we wear special clothes on special occasion. These are from the special dresses. We wear clothes suiting our work. Special clothes are worn by the people who special job. जो special job में जब हम जो grown up person जब special job में जाते हैं, उसके workplace में क्या? उसको भी uniform पहनते हैं. We go to school in uniform. हम क्या? हम जब school आते हैं क्या? Uniform पहन के आते हैं. तो वो भी जो ग्रोन अप पर्सन, जो एल्डर पर्सन से जॉब, जो वर्क प्लेस में जाते हैं क्या, उसका यूनिफॉर्म भी पहनते हैं. देखो ये पुलिस, देखो उसका यूनिफॉर्म पुलिस उसकी यूनिफॉर्म पहनते हैं. वो जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनते हैं. जो पोस्टमैन भी यूनिफॉर्म पहनते हैं. ओके, दीज आर द यूनिफॉर्म. दीज आर कॉल्ड द यूनिफॉर्म. नेक्स्ट, वी नो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथेस. जो हमारे कंट्री में जो डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग एरिया के लोग अलग अलग ड्रेस भी पहनते हैं. देखो यहाँ पर जो पंजाबी लोग क्या पहनते हैं, पंजाबी
पानी जो रास्ता में वो क्या घाघरा पहनते हैं. ओके नाउ वी नो हाउ क्लॉथ्स आर मेड. जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर सीजन में, जो विंटर में जो ऊन वाले क्लॉथ्स पहनते हैं और रेनकोट वगैरह जो भी, तो हम यहाँ कहाँ से पाते हैं. ओके चलो, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं उसको हम कहाँ से पाते हैं, कॉटन प्लांट से पाते हैं. कॉटन इज स्पून इन थ्रेड इनटू थ्रेड एंड दीज थ्रेड आर वोवन इनटू क्लॉथ्स. यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, ये है कॉटन का प्लांट है, सब देखते हैं. यस इट इज योर कॉटन प्लांट. वी कलेक्ट द कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, देन द कॉटन इज स्पून इनटू थ्रेड. वो क्या थ्रेड बना जाता है, तो थ्रेड से वोवन इनटू क्लॉथ्स. क्या वो थ्रेड से हम कॉटन का क्लॉथ्स बना जाता है. ओके इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. नेक्स्ट वी नो सिल्क. सिल्क इज स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड चिल्ड्रन. सिल्क इज आल्सो ए स्पेशल, इट इज आल्सो थ्रेड व्हिच वी गेट फ्रॉम द सिल्क. जो सिल्क है हम कहाँ से पाते हैं, सिल्क वर्म. सिल्क वर्म इंसेक्ट है, हम सिल्क वो देखो वो है सिल्क वर्म. हम ये जो सिल्क वर्म से हम उसे सिल्क का थ्रेड बना जाता है, थ्रेड से हम वो ड्रेस बना जाता है. ओके इट इज योर सिल्क वर्म. कनेक्ट द डॉट्स टू मैच द कलर. चिल्ड्रन यहाँ पर जो डॉट्स है उसको मैच करना है. देखो फर्स्ट होती है ऊल. ऊल हम कहाँ से पाते हैं, फ्रॉम द फ्लेश ऑफ द शीप. हम शीप से ऊल पाते हैं, जो शीप की जो हेयर है बॉडी से जो हेयर है उससे हम क्या ऊल पाते हैं, तो ऊल मैच विद द शीप. देन कॉटन, कॉटन वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, मैच विद ए फ्रॉम कॉटन प्लांट. देन सिल्क we get silk from the silk worm. Okay, match it. Next we get wool from the hair on the body of the sheep. हम जो wool कहाँ से पाते हैं, जो body तो sheep में देखो, जो sheep की body में जो hair है, okay, उससे हम क्या पाते हैं, wool collect करते हैं. उसके वो उसके hair को collect करके उसको fine करके उसके क्या पाते हैं, wool पाते हैं. ओके द हेयर इज कट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप एंड स्पून इनटू वूल. उससे बॉडी की जो शीप की बॉडी से फास्ट उसको हेयर को कट करके फाइन कर लेते हैं. उसके बाद हम ऊन पाते हैं, ऊन से हम ऊलन क्लॉथ्स पाते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम सिल्क ऑफ द एनिमल सच एज काउज क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स. चिल्ड्रन वी गेट लेदर. वो लेदर को भी हम पहनते हैं. हमारे जो शू आते हैं ना वो किससे बना जाता है, लेदर से. तो लेदर हम कहाँ से पाते हैं, लेदर वी गेट लेदर फ्रॉम द काउ क्रोकोडाइल एंड स्नेक. ये जो एनिमल्स की स्किन है, काउ का स्किन वो क्रोकोडाइल एंड स्नेक की जो स्किन है उससे हम लेदर पाते हैं. वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लॉथ्स नीट एंड क्लीन. चिल्ड्रन लास्ट पॉइंट इज योर we should always keep our clothes. हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं उसको क्या रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन. उसको हम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ओके चिल्ड्रन दिस इज ऑल अबाउट योर माई क्लॉथ्स.